सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में 10 अभियुक्त दोषी करार, सजा के बिंदु पर अदालत करेगी 5 जुलाई को सुनवाई। दो अन्य अभियुक्तों को अदालत ने किया साक्ष्य के अभाव में बरी। चोर के संदेह में 18 जून 2018 को भीड़ की पिटाई से तबरेज की हुई थी मौत। लातेहार के अमझरिया में कीर्तन धाम हटाने का आनंद मार्गियों ने किया कड़ा विरोध। अमझरिया बचाओ संघर्ष समिति के झंडे तले एकजुट हुए हजारों आनंद मार्गी। कीर्तन धाम को तत्काल खाली करने की सीएम से की अपील। कीर्तन धाम खाली नहीं हुआ तो आनंद मार्गी करेंगे बड़ा आंदोलन। RMS हाई स्कूल बालीचेला को ICSE बोर्ड से मिली मान्यता। स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं ने इस मौके पर किया कार्यक्रम आयोजित। स्कूल के छात्र छात्राओं ने इस मौके पर किया रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत। स्कूल संचालन कमेटी राजस्थान मैत्री संघ के सदस्य भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। आइए बात करते हैं तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में अदालत के फैसले की। सरायकेला के चर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में ADJ वन अमित शेखर की अदालत ने 10 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर अदालत 5 जुलाई को सुनवाई करेगी। वहीं अदालत ने 2 अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी भी कर दिया है। बताते चले कि देश के संसद तक में गूंजी तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग में हुई मौत का मामला एक समय नेशनल चैनलों की सुर्खियां बन गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए ADJ वन अमित शेखर की अदालत ने 10 अभियुक्तों प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीमसेन मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, महेश महाली, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली और सुनामो प्रधान को पीट पीट कर हत्या किए जाने के मामले में बुधवार को दोषी करार दिया है। अदालत 5 जुलाई को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी। वहीं अदालत ने 2 अन्य अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि सरायकेला थाना अंतर्गत धाकिड़ी गांव में 18 जून 2019 को चोरी की नियत से घर में घुसे तबरेज अंसारी की भीड़ द्वारा बुरी तरह पिटाई की गई थी। गंभीर हालत में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था। पुलिस ने चिकित्सोपरांत उसे सरायकेला जेल भेज दिया था। सरायकेला जेल में उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे आनंद फानन में सरायकेला सदर अस्पताल लाया जा रहा था, तभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया था। देखते देखते यह मामला भारतीय संसद तक पहुंच गया, राष्ट्रीय चैनलों की सुर्खियां भी बना रहा। इस संबंध में मृतक तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस अनुसंधान में कुल 13 लोगों का नाम आने के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई, जिसमें से एक आरोपी कुशल महाली का निधन हो चुका है। कि रात की घटना है, उसमें एक तबरेज अंसारी नामक व्यक्ति को ग्रामीणों ने तम्बा में बांध के मारपीट किया था और अभिरक्षा में रहते हुए पुलिस न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए वो मर गया था। इसके बाद मृतक की पत्नी केस की थी। 13 लोगों पर चार्ज बना था, आरोप का गठन हुआ था, जिसमें एक आदमी मर चुका था। 12 का निर्णय, जिसमें 2 आदमी को रिहाई दिया गया और 10 को सजा हुआ है। 304 में, 341 में, 323 में, 325 में, 295 ए में, 149 के साथ, और सजा के बिंदु पर 5 जुलाई का डेट निश्चित किया गया। आइए बात करते हैं अपने धार्मिक स्थल कीर्तन धाम को हटाए जाने का आनंद मार्गियों द्वारा विरोध किए जाने की। लातेहार जिला के अमझरिया स्थित आनंद मार्गियों के धार्मिक स्थल कीर्तन धाम को अवैध एवं गैर कानूनी रूप से हटाए जाने का आनंद मार्गियों ने कड़ा विरोध किया है। आनंद मार्गियों का कहना है कि धार्मिक स्थल को गैर कानूनी तरीके से कब्जे में लेने के लिए उनकी धार्मिक मर्यादा के साथ खुलकर खिलवाड़ किया गया। अगर इसे तत्काल खाली नहीं किया गया तो वे लोग बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बताते चले कि झारखंड के लातेहार जिला अंतर्गत अमझरिया स्थित धार्मिक स्थान, जिसे आनंद मार्गी एवं स्थानीय लोग कीर्तन धाम कहते हैं, मानव इतिहास की एक ऐतिहासिक एवं अमूल्य निधि है। इस कीर्तन धाम को अवैध एवं गैर कानूनी रूप से अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई रोशन कुमार जिला वन अधिकारी लातेहार द्वारा की गई है। गैर कानूनी कब्जे के क्रम में इस धार्मिक स्थल की धार्मिक मर्यादा के साथ खुलकर खिलवाड़ किया गया, जिससे दुनिया भर में फैले करोड़ों आनंद मार्गी मर्माहत हैं। उनका कहना है कि स्थानीय जिला वन अधिकारी के माध्यम से झारखंड सरकार द्वारा कब्जा करने का अनैतिक और गैर कानूनी प्रयास किया जा रहा है। यह अनैतिक प्रयास हम आनंद मार्गियों के धार्मिक अधिकारों का खुला उल्लंघन एवं संविधान की खुली अवमानना है।
दुनिया भर में फैले करोड़ों आनंद मार्गियों ने कीर्तन धाम को तत्काल प्रभाव से खाली करने का झारखंड सरकार से अनुरोध किया है। साथ ही इस धार्मिक स्थल की गरिमा से खिलवाड़ करने, आनंद मार्गियों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए स्थानीय जिला वन अधिकारी रोशन कुमार का तत्काल तबादला करने की मांग की गई है। अमझरिया बचाओ संघर्ष समिति के झंडे तले एकजुट हजारों आनंद मार्गियों ने लक्ष्य हासिल होने तक इस संघर्ष को चलाते रहने का निर्णय किया है। अगर सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज करने का सर्वसम्मति का फैसला लिया गया है। आइए बात करते हैं आरएमएस हाई स्कूल बालीचेरा में आयोजित कार्यक्रम की। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के सुनारी स्थित राजस्थान मैत्री संघ द्वारा संचालित आरएमएस हाई स्कूल बालीचेरा को आईसीएसई बोर्ड से मान्यता मिल गई है। इस मौके पर आरएमएस स्कूल द्वारा सुनारी खूंटाडीह स्थित मदन मोहन गीता देवी अग्रवाल सभागृह में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों द्वारा रंग बिरंगे कपड़ों में नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में शहर के जाने माने विद्यालयों के प्रिंसिपल मौजूद थे। उनके अलावा संस्था के अध्यक्ष आर के झुंझुनवाला, सचिव संजय केडिया, प्रिंसिपल प्रतिमा सिन्हा, संस्था के ट्रस्टी रमेश अग्रवाल आदि लोग उपस्थित रहे। स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं के अतिरिक्त कार्यकारिणी के अन्य सदस्य सावरलाल शर्मा, शंकरलाल कांटिया आदि उपस्थित रहे। सभी ने विद्यालय की उपलब्धि पर बधाई दी और भविष्य में आगे बढ़ने की शुभकामना भी दी। धन्यवाद ज्ञापन संजय केडिया द्वारा किया गया। राजस्थान मैत्री संघ द्वारा संचालित आरएमएस हाई स्कूल बालीचेला को आईसीएसई एफिलिएशन मिलने के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमारे सारे ट्रस्टीज, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स, विभिन्न स्कूलों के प्राध्यापिकाएँ और हमारे शिक्षक शिक्षिकाएँ यहाँ सभी उपस्थित हैं। ये एफिलिएशन आज हम जब बालीचेला स्कूल के 20 वर्ष पूरे कर रहे हैं तब जाके हमें मिला है। इसके लिए हमारी पूरी टीम ने बहुत ही मेहनत की है और उसके बाद जाके ये हमें एफिलिएशन मिला है। हमारी दूसरी स्कूल जहां हम यहां खड़े हैं आरएमएस हाई स्कूल खूंटाडीह, ये सीबीएसई एफिलिएटेड है और पहले इसे कक्षा 10 तक मिला, उसके बाद कक्षा 12 तक इसका एफिलिएशन है। तो अब हमारी ये दोनों स्कूलें, एक सीबीएसई एक आईसीएसई है, ये चल रही हैं और दोनों स्कूल में हमारी जो प्रिंसिपल है यहाँ की डॉक्टर परिणीता शुक्ला और वहाँ मिसेस प्रतिमा सिन्हा और उनकी पूरी टीम और पूरी लगन से ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है और मैनेजमेंट को तरफ से इन्हें पूरा सहयोग दिया जा रहा है कि किस तरह हम बच्चों में और क्या क्या अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। अभी जैसे कि गवर्नमेंट की नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे का कार्यक्रम करेंगे, जिससे कि केवल शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के अलावा डिफरेंट वोकेशनल फील्ड, वहाँ पे भी बच्चे कैसे आगे बढ़ सकते हैं हमारा प्रयास रहेगा। चाहे वो खेलकूद हो, चाहे वाद विवाद प्रतियोगिता हो या किसी भी तरह का, तो सर्वांगीण विकास के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील हैं और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। आज का कार्यक्रम जो प्रोग्राम हम लोगों के लिए हुआ, ये तो हमारे इतिहास में आरएमएस हाई स्कूल बालीचेला के इतिहास का स्वर्णिम क्षण है, जबकि आरएमएस बालीचेला स्कूल आईसीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड हुआ है। ये बहुत निरंतर अथक परिश्रम का परिणाम है। स्कूल जैसा कि शुरू में हिंदी मीडियम था, चैलेंजेस बहुत थे, कठिनाइयाँ बहुत थी, लेकिन मैनेजमेंट बहुत ही प्रोग्रेसिव सपोर्टिव मैनेजमेंट के साथ और हमारी टीम ऑफ टीचर्स के साथ मिलकर हम लोग इस अपने सपने को सच कर पाए हैं। ये आज उसी समारोह का संचालन हुआ। आइए बात करते हैं मानगो के अधूरे पड़े जल मीनार को जेएमएम द्वारा मुद्दा बनाए जाने की। मानगो स्थित पृथ्वी उद्यान में वन विभाग के कार्यालय के पीछे 2018 में जल मीनार का शिलान्यास किया गया था। आज 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद जल मीनार का काम अधूरा पड़ा है। समय समय पर स्थानीय लोग आवाज जरूर उठाते हैं, लेकिन आवाज समय पर दब जाती है। अब जेएमएम ने इस मुद्दे को उठाया है और जल मीनार का निर्माण कार्य अविलंब पूरा किए जाने की मांग की। होश में आओ, केवल सरकार में पानी टंकी का ठेकेदार होश में आओ।
हालांकि मांगों में पानी की समस्या ज्वलंत है। गर्मी के दिनों में इस क्षेत्र में पानी को लेकर हाहाकार मचता है, लेकिन पानी की क्षणिक समस्या दूर होते ही लोग चुप हो जाते हैं। टंकी का निर्माण कभी मुद्दा नहीं बनाया जा सका। पानी टंकी नहीं बन पाने की वजह से पानी की आपूर्ति लगभग ठप है। इस इलाके के घर जलापूर्ति से वंचित हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग भी लापरवाही बरत रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा मांगो समिति के अध्यक्ष फतेह चंद्र टुडू के नेतृत्व में झामुमो के कार्यकर्ता बुधवार को निर्माण स्थल पर पहुंचे और यहां धरना प्रदर्शन किया। झामुमो की मांगो समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जल्द ही उपायुक्त से मिलकर मामले की शिकायत करेंगे। झामुमो नेताओं की मांग है कि ठेकेदार निर्माण कार्य में लापरवाही बरत रहा है, काम की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है, इसके चलते अभी से जल मीनार के खंभों से बालू झड़ रहा है। झामुमो नेता फतेह चंद्र टुडू का आरोप है कि इस निर्माण कार्य से भ्रष्टाचार की बू आ रही है, इसलिए मामले में कार्रवाई करते हुए ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए। पानी टंकी के निर्माण को लेकर सरकार पूरी तरह उदासीन है। आखिर पानी टंकी का निर्माण कार्य क्यों बंद है, इसका कारण कोई भी सरकारी अधिकारी स्पष्ट तौर पर बताने को तैयार नहीं है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा मानगो नगर कमेटी के समक्ष जो मानगो वन विभाग के पीछे यूको बैंक के पीछे जो पानी टंकी निर्माणाधीन है, 4 वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा है और कछुआ की चाल से चल रहा है। आप बताइए, यहाँ मानगो वासी पानी के लिए तरह इमाम कर रहा है और यह पानी टंकी का इतना कछुआ चाल से चलना अब झारखंड मुक्ति मोर्चा बर्दाश्त से बाहर हो गया है। यहाँ के बस्ती वासियों का कंप्लेन है, यहाँ का शिकायत है और हम लोगों ने दौरा के क्रम में यहाँ पर आया, हम लोगों ने देखा यहाँ किसी तरह का एक्टिविटी नहीं है, कोई ठेकेदार यहाँ काम नहीं कर रहा है और बस्ती वासियों का ये भी कहना है और हम लोगों ने भी ये देखा कि सही मायने में जो काम बहुत निचले स्तर का हो रहा है, यहाँ का प्लस्तर के पहले यहाँ हम लोग देख रहे हैं कंक्रीट सब झड़ जा रहा है, ये बहुत ही अनियमितता यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और हम लोग जो भी ठेकेदार संबंधित विभाग के जो लोग हैं ठेकेदार है, देना चाहते हैं अगर इस तरह का कार्यक्रम चला क्रियाकलाप चला तो निश्चित रूप से हम लोग पानी टंकी को बंद करना पड़ेगा, काम को बंद करना पड़ेगा और यहाँ जांच के लिए हम लोग भेजेंगे इसको रूप से ठेकेदार का पूरी तरह से मानसिकता इसको जो है गरीब विरोधी मानसिकता समझा जा सके, क्योंकि गर्मी के मौसम में अगर इस तरह के लोग कार्य करें सारा फंड मिलने के बावजूद भी सारा पैसा सरकार झारखंड सरकार का ये खजाना को ये लोग लूटने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं और सरकार का जो खजाना उसको एकदम पूरी तरह से इसको लूटने में लगा होता है। ऐसे ठेकेदार को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और जरूरत पड़े तो इसको ब्लैकलिस्ट का भी करने का हम लोग कार्रवाई करेंगे। यही समस्या है, क्योंकि हम लोगों ने 3 साल सरकार बनने के 3 साल पूरा होने जा रहा है, 2 साल कोरोना काल में निकल गया और जो भी साल बचा हो उसमें तीव्र गति से कार्य करने की जरूरत है। कोरोना काल में जो भी डिले हो उसको पूरा करना है, उसको मेंटेन करना है, लेकिन ठेकेदार का मानसिकता हमको लग रहा है यहाँ गरीब विरोधी जनता विरोधी का टाइप का है। एकदम निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे अभी तक क्योंकि अब और यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि हमारी सरकार है और जनता हमको पूछती है कि कब आप लोग स्वच्छ पानी की व्यवस्था करेंगे, करेंगे। आज हम लोगों ने दौरा किया और यहाँ सही पाया, सही मायने में जो यहाँ निम्न स्तर का यहाँ कार्य चल रहा है। आइए बात करते हैं रजक समाज कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा हरियाली पूजा के साथ पौधारोपण कार्यक्रम के आयोजन की। आषाढ़ी मास में हरियाली पूजा के उपलक्ष्य पर आदित्यपुर NIT परिसर स्थित पर्यावरण मैदान में आदित्यपुर रजक समाज कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां गाजे बाजे के साथ लोगों ने हरियाली पर्व मनाते हुए पौधारोपण किया। रजक समाज द्वारा जहां आषाढ़ी हरियाली पूजा के मौके पर बलि प्रथा को बढ़ावा दिया जाता था, अब नदियों की पूजा के बाद पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाता है। इसी कड़ी में बुधवार को आयोजित आषाढ़ी पूजा के उपलक्ष्य में रजक समाज द्वारा खरकाई नदी की पूजा अर्चना के बाद NIT पर्यावरण मैदान में 25 फलदाय एवं छायादार वृक्ष लगाए गए। इस मौके पर यहां लोगों के बीच भोजन आदि का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए समाज से जुड़ी श्वेता राज ने बताया कि समाज के लोगों को पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर समाज सेवी शारदा देवी, दुर्गा चरण बैठा, अशोक कुमार, सत्य प्रकाश, राजीव कुमार के अलावा बड़ी संख्या में समाज से जुड़ी महिला और पुरुष मौजूद रहे। आज हम लोग ने हरिहर पूजा की थी यहाँ पे और उस सबसे पहले स्टार्ट किया हम लोग, जो हम लोग का नेचर का स्रोत है नदी, हम लोग ने नदी का पूजा करते हुए
यहाँ से हम लोगों ने नदी का पूजा पाठन का सब चीज करके उसके बाद नदी में जितना भी नियर बाई कचड़ा था वो सबको रिमूव करके, सबसे मेन पूजा का हम लोग का मोटो यही था कि कचड़ा नहीं जाना चाहिए नदी में, वो उसको उस मोटो को लेकर के आगे बढ़े हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे 25 पेड़ लगाए। पहले हरिहर पूजा का ये प्रथा था कि यहाँ पे बलि चढ़ती थी, उस प्रथा को हम लोगों ने के अवज में हम लोगों ने आज पेड़ लगाने की प्रथा हर साल, हम लोग लास्ट ईयर भी किए, उससे लास्ट ईयर भी किए, हम लोग हर साल यही करते हैं और आगे लोगों को प्रमोट करते हैं, जितने लोग मिल जाए हम लोग को उतने लोगों को प्रमोट करके हम लोग हर फंक्शंस पे, चाहे एक छोटे से छोटे फंक्शंस करें हम लोग, उसमें सब में हम लोग पेड़ लगाना अनिवार्य कर दिए हैं। अब हम लोग सब सारे फंक्शन को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए आज 25 पेड़ लगाए हैं और अभी हम लोग को और पेड़ लगाना है, आज के ही दिन हम लोग बहुत पेड़ लगाने वाले हैं। आइए बात करते हैं समाज सेवी स्वर्गीय के सिंह की स्मृति में किए गए रक्तदान शिविर के आयोजन की। जमशेदपुर के जाने माने समाज सेवी स्वर्गीय के सिंह के जन्म दिवस पर बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमे लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। यह रक्तदान शिविर रेड क्रॉस भवन में आयोजित किया गया, जिसमे जमशेदपुर के तमाम राजनीति पार्टियों और समाज सेवियों ने भाग लिया, रक्तदान करने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया। इस मौके पर स्वर्गीय के सिंह के पुत्र सह समाज सेवी विकास सिंह ने कहा कि स्वर्गीय के सिंह की स्मृति में हर साल उनके जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर रक्तदान करते हैं। चाहेंगे आज रक्तदान शिविर का आयोजन क्या आया? जैसा कि आप जानते हैं कि साल के जाने माने समाज सेवी स्वर्गीय के सिंह रेड क्रॉस सोसाइटी के पेट्रॉन भी रहे और जिनके नेतृत्व में रेड क्रॉस सोसाइटी काफ़ी दिनों तक बहुत सारे सेवाओं में आई, उनके जन्मदिवस के अवसर पे हर वर्ष जो है रक्तदान मनाया का आयोजन किया जाता है रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा। सौभाग्य से मैं उनका पुत्र हूँ और रेड क्रॉस सोसाइटी से मैं उपाध्यक्ष हूँ, इस कार्यक्रम का संयोजन करने का मुझे मौका मिलता है, बहुत मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं इस कार्य में भाग लेता हूँ। बहुत सारे लोग गाँव देहातों से और बहुत जगह से लोग आते हैं। कितना लक्ष्य रहता है विकास जी? लक्ष्य देखिए इस बार हम लोगों ने मतलब क्योंकि अभी लगातार हम लोगों का ब्लड डोनेशन कैंप सब चलता आ रहा है रेड क्रॉस का, लक्ष्य हम लोगों ने वैसा कुछ नहीं रखा है, लेकिन उम्मीद है कि 125 से 150 करीब हो जाएगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।